हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे सुपर लोगी चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एकमात्र एक ही लक्षण बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा ही वॉच करें ताकि आप जो भी हम सीक्रेट लक्षण आपको बताने वाले हैं आप मिस ना कर सको। तो चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड में ऑल को प्रेस करें हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। साथ ही दोस्तों, बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस किया करो ताकि हम कोई भी वीडियो डालें तो तुरंत आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। होता क्या है, जब भी आप कंसीव करती हैं, प्रेग्नेंट होती हैं, तो आप जानने की जिज्ञासा रखती हैं कि हमारी आने वाली संतान क्या है, बेटा है या बेटी। तो दोस्तों, ये तो आपको 9 महीने बाद ही पता लगेगा, लेकिन आप थोड़ी सी उत्सुकता को कम कर सकती हैं। और ये लक्षण दोस्तों, जब भी आप हमारी वीडियो को देखते हैं, हम आपको बोलते हैं कि वीडियो को जब भी आप देखते हैं कि कोई भी जो लक्षण है 100% सही नहीं होता, 100% वर्क नहीं करता है। सिर्फ आप यही माइंड में रख के देखा करो कि हम सिर्फ जिज्ञासा और उत्सुकता के तौर पर ही देख रहे हैं। आइए दोस्तों, जान लेते हैं इस पहले लक्षण के बारे में। एक ही लक्षण बताने वाले हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, बिना टाइम वेस्ट के आ जाते हैं टॉपिक पर। दोस्तों, जब भी आप प्रेग्नेंट बनती हैं, आपने देखा होगा स्टार्टिंग के जो दिन होते हैं उनमें अगर आपको बिल्कुल एक्टिव फील करती हो, यानी कि एक फुर्ती रहती है आपके शरीर में, एक्टिव फील करती हैं, कोई आलस नहीं आता है, आपका काम में मन भी लगता है, आपकी रुचि बढ़ गई है काम में, कहने का मतलब है आपको एनर्जी मिलती है, एनर्जी रहती है, आप बिल्कुल भी आलस महसूस नहीं करती हैं, तो दोस्तों ये सबसे पहली निशानी लड़का होने की है। दोस्तों, अगर वही चीज़ इसके अपोजिट लास्ट के जो मंथ होते हैं, जैसे लास्ट 8वां मंथ हो गया, 9वां मंथ हो, अगर इनमें आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, कमज़ोरी महसूस होती है आपको, आप बिल्कुल भी काम करने का आपका बिल्कुल भी मन नहीं करता है, आप जब भी काम करने की कोशिश करते हो तो आपको एक थकावट सी लगती है आपके अंदर से, आलस ही आलस आता रहता है। तो दोस्तों, स्टार्टिंग के दिनों में अगर आपको इस तरीके से रहता है जो हमने बताया है, और लास्ट के मंथों में आपको इस तरीके से रहता है, तो ऐसा माना जाता है कि ये बेबी बॉय होने की निशानी है। और ये लक्षण सबसे ज़्यादा देखा गया है गर्भवती महिलाओं के अंदर, सबसे ज़्यादा सही भी पाया जाता है। तो दोस्तों, ये लक्षण काफ़ी हद तक सही साबित होता है, 99% चांस बन जाते हैं बेटा होने के। सबसे पहली निशानी, अगर लड़के के टाइम पर जब गर्भ में लड़का रहता है तो गर्भवती महिला को बिल्कुल भी आलस नहीं आता है स्टार्टिंग के दिनों में। और दोस्तों, लास्ट के मंथों में अगर वही ठीक उसके अपोजिट उल्टा हो रहा है आपके साथ, कि आपको आलस आ रहा है, थकावट महसूस हो रही है, घबराहट हो रही है, बहुत ज़्यादा काम करने का मन नहीं करता है, तो ये लड़का होने का ही लक्षण माना जाता है। आप 100% श्योर हो सकते हैं इस लक्षण से। तो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, अपना एक्सपीरियंस हमें ज़रूर लिख के बताया करो, और वीडियो को जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि और भी जो गर्भवती महिला हैं उनको भी नॉलेज मिल सके, वो भी इसके बारे में जान सके। क्योंकि कुछ गर्भवती महिला ऐसी होती हैं, लक्षण तो होते हैं लेकिन वो उन लक्षणों को नहीं जान पाती हैं कि ये किस तरीके के लक्षण है, क्योंकि फर्स्ट मंथ से थर्ड मंथ के बीच में काफ़ी जो लक्षण होते हैं अप डाउन होते रहते हैं। तो जय श्री कृष्णा कमेंट बॉक्स में अवश्य ही लिखें। राधे राधे।